गौरी गिरीश गणेश रवि शशि सहसानन राम, सबको वंदन करत हूँ सिद्ध हूँ सब काम। जय श्री राधे भक्तों, आज से हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं श्री शिव गीता हिंदी में। श्री शिव गीता में 18 अध्याय हैं और प्रतिदिन हम यहाँ पर श्रवण करेंगे एक अध्याय का। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। सूची बोले हे शौनकादिको, इसके उपरांत अब मैं शुद्ध और कैवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधि रूप शिव गीता रत्न को शिव जी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। न कर्मों के अनुष्ठान से, न दान से, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। आगे शिव जी ने दंडक वन में श्री रामचंद्र जी को जो शिव गीता उपदेश की है वह गुप्त से भी गुप्त है, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो पूर्व काल में स्कंद जी ने सनत कुमार जी से वर्णन की थी वह मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार व्यास जी से कहते हुए व्यास जी ने कृपा करके वह हमसे वर्णन की और कहा भी था कि यह गीता तुम किसी को नहीं देना। हे सूत पुत्र, ऐसा वचन पालन ना करने से देव क्षुभित होते हैं और श्राप देते हैं। हे ब्राह्मणों, तब मैंने भगवान व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, सब देवता क्यों क्षोभ करते हैं, क्यों श्राप देते हैं, इसमें उनकी क्या हानि है जो वे देवता क्रोध करते हैं। ये सुनकर व्यास जी मुझसे बोले, हे वत्स, तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन। जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते हैं और गृहस्थाश्रम में रहते हैं वही सब फलों को देनहार देवताओं को कामधेनु हैं। भक्ष्य भोज्य पान्य करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया गया है सो हवि द्वारा अग्नि में आहुति दी गई है वह सब स्वर्ग में मिलती है। देवताओं को स्वर्ग में इष्ट सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है। जैसे गृहस्थी पुरुषों को दुही गाय ले जाने से केवल दुख ही होता है, इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं को दुखदाता ही है, कारण कि वह कर्म नहीं करता। इस कारण इसके विषय भार्या पुत्रादि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती, इस कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता। और जो यथा कश्चित जानते भी हैं, वह किसी कारण मध्य में खंडित हो जाता है और जो किसी को ज्ञान हुआ भी तो उसे विश्वास नहीं बचता। ऋषि बोले, जब इस प्रकार से देवता शरीरधारियों को विघ्न करते हैं तो इसमें किसका पराक्रम है जो मुक्ति को प्राप्त होता है। हे सूत पुत्र, आप सत्य कहिए कि उनका उपाय है या नहीं है। सूची बोले, करोड़ों जन्मों के पुण्य संचय होने से शिव जी में भक्ति उत्पन्न होती है। उस भक्ति से होने वाले इष्ट पूर्तादि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिव जी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है। उन शिव जी की कृपा से जब ये प्राणी दृढ़ भक्तिमान होता है तब विघ्न छोड़कर भयभीत हो देवता वहाँ से चले जाते हैं। उस भक्ति के करने से शिव जी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है, सुनने से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। बहुत कहने से क्या, जिसकी शिव जी में दृढ़ भक्ति है वह करोड़ों पापों से ग्रसा हो तो भी मुक्त हो जाता है। अनादर से, मूर्खता से, परिहास से, कपटता से भी जो मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है वह अंत्यज अर्थात चांडाल भी मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से भक्ति सदा करने योग्य है। इस भक्ति के होते भी जो मनुष्य संसार से ना छूटे, उस संसार बंधन से ना छूटने वाले की समान दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं। और कुछ शिव जी भक्त से ही प्रसन्न नहीं होते जो नियम से केवल भक्ति या द्रोह ही करते हैं, उन पर भी प्रसन्न हो शिव मनवांछित फल प्रदान करते हैं। बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर व अल्प मोल की वस्तु अथवा केवल जल ही लेकर जो नियम से शिवार्पण करते हैं शिव जी प्रसन्न हो उसे त्रैलोक्य देते हैं। और जो यह ना हो सके तो नियम से नमस्कार व प्रदक्षिणा जो नित्य प्रति शिव जी की करते हैं
उसके ऊपर भी शिवजी प्रसन्न होते हैं। और जो प्रदक्षिणा करने में भी असमर्थ हो, केवल मन में ही शिवजी का ध्यान करे, चलते बैठते में जो उनका स्मरण करे, उसकी भी अभीष्ट पदार्थ प्रदान करते हैं। चंदन, बेल, काष्ठ तथा वन में उत्पन्न हुए फल जिसके अधिक प्रीति करने वाले हैं, उन शिवजी की सेवा करने में त्रिलोकी में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। वन में उत्पन्न हुए फल मूलादि में शिवजी की जैसी प्रीति है, वैसी ग्राम नगर के उत्पन्न हुए उत्तम उत्तम फल मूलों में नहीं। जो ऐसे देवता को छोड़कर अन्य देवता का भजन करते हैं, वह मानो गंगा का त्याग करके मृग तृष्णा की इच्छा करते हैं। परंतु जिनको करोड़ों जन्मों के पाप चिपट रहे हों, उनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है, उनको शिवजी की भक्ति प्रकाशित नहीं होती। काल, देश, स्थल का कुछ नियम नहीं है, जहाँ इसका चित्र में वही ध्यान करें। शिव रूप से अपने आत्मा में ध्यान करने से शिव की ही मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। जिसकी आयु बहुत थोड़ी लक्ष्मी से भी हीन हो और शिवजी की एक अंश रूपी सार्वभौम पद युक्त मैं राजा हूँ ऐसे अभिमान से कहने वाले को वंश सहित संहार करते हैं। जो संपूर्ण लोक का कर्ता तथा अक्षय ऐश्वर्यवान पुरुष भी अभिमान रहित हो, जो शिव शिवोहम इस प्रकार से कथन करते हैं, उसको शिवजी आत्म स्वरूप के तदात्म्य भोगी अर्थात शिव रूप ही कर देते हैं। हे ऋषियों, जिस व्रत के करने से प्राणी के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ हस्तगत होते हैं, मैं वह पाशुपत व्रत तुमसे वर्णन करता हूँ। विरजा नामक दीक्षा को करके विभूति और रुद्राक्ष को धारण कर वेद सार नामक शिव सहस्त्र नाम को जप करते हुए इस मानव शरीर को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर लोक का कल्याण करने वाले भगवान शिव प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देकर कैवल्य मुक्ति देंगे। जब श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य में वास करते थे, तब अगस्त्य जी ने उन्हें वह उपदेश दिया था। वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भक्ति युक्त होकर के श्रवण करो। तो भक्तों, ये था श्री शिव गीता का प्रथम अध्याय। नमो नारायण।